ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, आप सबको वेलकम कहते हैं एवरी फ्राइडे जूम मीटिंग विद दादा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर वॉयलेट, और आज के जो हमारे स्पीकर हैं दादा हैं, डॉक्टर रितु हैं, डॉक्टर सोनल हैं, और डॉक्टर सोनल अभी तक तो खैर आई नहीं है, बाकी डॉक्टर लुबना पाकिस्तान से थी, मगर ये कि शायद उनके साथ भी कोई इशू है तो वो उसको ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। तो बात करते हैं मैम आपसे। जी दादा से स्टार्ट करिए। मैं अच्छी दादा बात को है। कह रही थी तो चलो हाँ, अच्छी बात है। चलो मैडम ने अभी बोला ना कि अच्छा लगता है, तो ये अच्छा जी लगता है का मतलब क्या हुआ? अच्छा लगता है मतलब लव हुआ है ग्रुप से, बस पीस लविंग है। यही, बस यही खता है मेरी। ग्रुप ही मेरी मोहब्बत है, ग्रुप ही अब तो मेरी बंदगी है, ग्रुप ही कमजोरी ही है मेरी। समझे ना आप? ग्रुप मतलब मेरे जितने भी ग्रुप है, मेरे जितने भी मेंबर है, वो सब के सब मेरी कमजोरी है। अब थोड़ा वाटर वायोलेट की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि शायरी की भाषा में अगर वाटर वायोलेट को समझना है ना, तो हम ये कहेंगे कि मुश्किल है समझ पाना मुझे, क्योंकि जीने के कुछ अलग अंदाज है मेरे। ये वाटर वायोलेट ये है, वो उसकी लाइफ स्टाइल ही कुछ अलग सी है। हकीकत में हम जिसको अलूफ बोलते हैं ना, तो क्या वो हकीकत में अलूफ है, एकांत प्रिय है, अकेला रहना चाहता है? नहीं, वो भी तो हमारी तरह एक इंसान ही है, एग्जैक्टली वो भी सबसे हिलने हिलना मिलना रिलेशन रखना चाहता है। बट उसका काम ही इसी टाइप का होता है ना कि जो कॉमन पब्लिक है ना, उसकी समझ में नहीं आता। जैसे मुझे ही ले लो, मैं बेज फ्लावर का झंडा लेके बैठ गया हूँ, तो आप लोग जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि बेज फ्लावर क्या है, उनको पता है कि मैं अलूफ नहीं हूँ। बट जो यहाँ मंदिर के अगल बगल जो रहते हैं, वो क्या जाने बेज फ्लावर के बारे में कुछ नहीं। मेरे घर के पास जो रहते हैं, वो क्या जानेंगे बेज फ्लावर के बारे में कुछ नहीं। मैं क्या करता हूँ कुछ पता नहीं, क्या लिखता हूँ उनकी समझ में कुछ आता नहीं, तो वो क्या समझेंगे कि ये अकड़ू है, ये अभिमानी है, किसी के साथ मिक्स नहीं होता। बट हकीकत ये नहीं है। आप जानते हो ना कि जब मैं आपसे मिलता हूँ ना, तो दिल खोल के बातें करता हूँ, तो वाटर वायलेट भी यही है। जब अपने जैसा कोई मिलता है ना, तो ये बंदा दिल खोल के बातें करता रहता है, बातें करता रहता है, टाइम नहीं देखता। एग्जैक्टली तो हमारे बीच में भी यही होता है, जैसे ही हम स्टार्ट करते बातें होती रहती है, कभी मैं बोलता हूँ, कभी मैडम बोलेंगे, कभी हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स बोलेंगे। क्यों? हम सब एक ही टाइप के हैं, एक ही सब्जेक्ट के आगे बढ़ रहे हैं, तो दिल खोल के बातें करते हैं। थोड़ा अलग से है, बट वाटर वायोलेट में आप ले सकते हो। एक पुरानी कहावत है ना कि गधे से गधा मिले करे लात तम लात, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। तो वाटर वायोलेट ये है, जब उसके नहीं जैसा नॉलेज वाला कोई उसको मिल जाता है, वो बातें करता रहता है, बातें करता रहता है। अब देखो तो उसका काम किस टाइप का, उसके पास टाइम नहीं है और उसका माइंड भी किस टाइप का है। भाई मैं आपके काम में, मैं आपकी लाइफ में इंटरफियरेंस नहीं करता, दखल अंदाजी नहीं देता। आप भी मेरे काम में दखल अंदाज मत दो, मैं भी आपके पान में काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। न तो वो अपने काम में किसी को दखल अंदाजी करने देगा, न खुद किसी के काम में दखल अंदाजी करने देगा। अब वाटर वायोलेट ऐसा क्यों है? वो एक्सपर्ट है, वो स्पेशलिस्ट है, वो जहां भी है उसका काम ही स्पेशलिस्ट का और
एक्सपर्ट कैटेगरी का है, इसीलिए वो थोड़ा दुनिया से अलग रहना पसंद करता है और आहिस्ता आहिस्ता से उनकी ये आदत उसकी अलूफनेस में ट्रांसफर हो जाती है। वो भी बंदा हमारे जैसा एक इंसान ही है, वो भी शरीफ है। तो यहाँ हम जिस टाइप से अलूफ समझते हैं ना, प्लेटिना टाइप से, वो वाटर वायलेट प्लेटिना टाइप का अलूफ नहीं है। वो बंदा एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, इसीलिए वो अलूफ है। ओके, थैंक यू। आगे मैडम जी। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू दादा। दादा आपको याद है मेरे आप ख्याल से डॉक्टर सोनल आ गए, सोनल आ गए, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर सोनल आज कमिटमेंट किया है, आप नहीं आएंगे, वो बुलाएंगे मेरे को हमें। बोल के गए, अभी मेरे घर पे ही थे, थोड़ी देर पहले ही गए, आ जाएंगे वो। अच्छा, दादा हाँ ठीक वो है, तो मैडम मैडम आपसे मैडम के कंटिन्यू घर पे क्यों करूंगी। थे? क्योंकि हमारा जो बेस कॉम्बिनेशन ग्रुप स्टार्ट हो रहा है ना, तो सारा भार ये दोनों के कंधे पे है। मैं तो आराम से चेयर पे बैठा रहूंगा। अब रही बात, अपने पाकिस्तान के बहुत से फ्रेंड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, बट आप मेरी मजबूरी समझो। आप जी, वहां से पे फीस कैसे ट्रांसफर सही, करोगे? ये नहीं कर सकते। अगर कर भी दिया तो आप भी फंस सकते मैं हो। तो फीलिंग को नहीं, बताऊं। कर भी दिया तो आप भी फंस सकते हो, यहाँ हम भी फंस सकते हैं। और अगर अच्छा फ्री में अच्छा मतलब सबको, फिर ऐसे ही ऐड कर लेगा, हमें कर हाँ, लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे निकाल हम। लेंगे, आप चिंता मत बट कीजिए। हाँ, बट अगर आप लोगों को फ्री में ऐड कर दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक तरह से वो जो यहाँ के मेंबर्स है उसके साथ तो बेईमानी हो जाएगी। हाँ, आप समझते हो ना, हम किस मजबूरी में फंसे हैं। बट हम ट्राई सही, कर रहे हैं, देखेंगे कौन दुबई आ सकता है, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आप समझ रहे हो ना, कोई ना ये कोई तो रास्ता है, निकाल लेंगे। हम राणा साहब को सौंप देंगे कि भाई जी वहां का आप संभालो। सही, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हाँ दादा वॉटर वायोलेट की ओवर। ठीक है। सो इंशाल्लाह, एज यूजुअल आई ऑलवेज रिमेम्बर दादा नेमिंग इट। जी, दादा हम समझ रहे हैं, अब बात नहीं इंशाल्लाह। सो दादा हैज नेम्ड वॉटर सही वायलेट एज वॉयलेट बटरफ्लाई बुश। जी, और वॉयलेट बटरफ्लाई बुश क्योंकि एज द नेम सजेस्ट कि ये पर्सनालिटी अलूफ है, सुपीरियर फील करती है। तो इसको प्लांट से समझने की कोशिश कीजिएगा। द प्लांट इटसेल्फ इज स्ट्रेट एंड इरेक्ट, एकदम यू नो सीना तान के ये पेड़ खड़ा रहता है, एंड बट अलूफ है, सुपीरियर है, दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो जिस तरीके से ये पेड़ एकदम सीधा खड़ा है, बट उसी तरीके से इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो है ना एक झुंड में आते हैं और बहुत सुंदर कलर्स होते हैं। और झुंड में आना मतलब वो सबके साथ रहना चाहते हैं, वो इकट्ठा होके मिलके रहना चाहते हैं, और बहुत प्यारा मो प्राइम रोज कलर होता है इनका। सो वाटर वायलेट की जो खूबसूरती है, वाटर वायलेट की जो पर्सनालिटी है, वो इसके प्लांट के अंदर ही है। तो दादा ने इसका नाम रखा था वॉयलेट बटरफ्लाई बुश, उन्होंने कहीं पढ़ा था, तो मैंने कहा दादा इस बार आप ये नाम नहीं रखेंगे, तो बोले कि नाम इसका ऑलरेडी है और बहुत सुंदर नाम है। सो दिस इज वॉट, एंड यस ऑफकोर्स ये विजनरी लोग होते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं, क्योंकि जो बहुत ज्यादा सोचते हैं और जो बहुत ज्यादा डीप थिंकर्स होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। तो जो डीप थिंकर्स होते हैं, दे कैन थिंक गुडनेस अबाउट एवरी वन इन द सेम वे, इसी वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम, बिकॉज उनको ये लगता है कि मुझे कोई नहीं समझ पाएगा, मेरी बात कोई नहीं समझ पाएगा, तो वो सबसे दूर रहते हैं। लेकिन ह्यूमन नेचर है, बहुत ज्यादा देर हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, तो वो अंदर ही अंदर वो चीज उनको खाती भी है। सो
इनकी इमेज तो होती है सुपीरियर कैपेबिलिटी एंड काम दैट कंट्रोल इन एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन. कोई भी सिचुएशन आ जाए दे कैन कीप देमसेल्स वेरी काम वेरी कंट्रोल्ड, बट उनको पता है कि अंदर ही अंदर उनके क्या चल रहा है. सो पीपल दे एडमायर दिस क्वालिटी और उनको ये मेंटेन रखना पड़ता है काम एंड कंपोजर इवन इन एडवर्स सिचुएशन. एंड पीपल लाइक टू टेक देयर एडवाइस, उनके एडवाइस भी लेना पसंद करते हैं. बट एट द सेम टाइम एक ग्रेस और एक एरिस्टोक्रेटिक के साथ साथ है ना, कई बार लोगों को लगता है, लोगों को बहुत ज्यादा डीप थिंकर्स या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं पसंद है. दे थिंक दे आर एरोगेंट, दे थिंक दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड, तो लोग उनसे दूर रखना अपने आप को पसंद करते हैं. एंड मोर ओवर दिस इज द इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट नेचर दैट डीप डाउन दे आर कंसर्न अबाउट नेचर, दे आर डीप डाउन दे आर कंसर्न अबाउट सोसाइटी, क्योंकि दे आर वेरी डीप थिंकर्स. उनको हर चीज में हर जगह लोगों का ध्यान रखना बहुत पसंद है. बट एट द सेम टाइम कम बोलते हैं तो लोगों को लगता है ये बहुत अकड़ू हैं और ये क्यों, इनको क्यों दखल अंदाजी करनी होती है सब चीज में, चाहे वो नेचर हो चाहे वो लोग बाग हो. बट एक बहुत सुंदर सी चीज दादा ने बताई थी दैट दे टेक प्लेजर इन पीसफुल थिंग्स इन लाइफ, नो नॉइस नो केओस नो मेडलिंग इन अदर्स जॉब नो कमोशन नो नॉनसेंस पीपल एंड दे प्रिफर टू लिव ऑन देयर ओन एंड दे रिस्पेक्ट अदर पीपल्स प्राइवेसी. जितना वो चाहते हैं कि लोग बाग उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें वो उतना ही दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट भी देते हैं. तो कोई भी नो नॉनसेंस पीपल होते हैं, आप उनके कोई भी काम में दखल अंदाजी नहीं दे सकते. देयर फीलिंग्स आर कन्फाइंड इवन इन क्राइसिस. तो क्या होता है कि बोला ना कि डिटैच लगते हैं, अनफ्रेंडली लगते हैं. और बिकॉज ऑफ दिस माइल्ड ससेप्टेबिलिटी पर्सनैलिटी कई बार होता है कि बहुत उनके कंधों पे भी बहुत ज्यादा भार होने लगता है, वो लेके चलते हैं क्योंकि ये उनकी आदत होती है ना. एक बहुत अच्छी सी चीज आदर ने बताई कि वॉटर वायलेट और एग्रीमनी का जो माइल्ड हेयरलाइन डिफरेंस है वो क्या है, वो दादा आपको अच्छे से बताएंगे क्योंकि वो नहीं, उन्होंने. आप ही बता दो। नहीं, मैंने आपको बता दिया है, अब आपको ही बताना है। हाँ, और ये आपको माइल्ड हेयर माइल्ड डिफरेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इन्होंने सिखाया था. वाटर वायलेट होता है दे आर पीस लविंग पीपल, राइट. इनको गॉसिप पसंद नहीं है, दे डू नॉट वेस्ट देयर एनर्जी ऑन सुपरफिशियल टॉक्स, बोलते ना गप्पे मारना, ये उनको बिल्कुल नहीं पसंद है. उसके बावजूद भी पीपल नो अबाउट देम, बिना आवाज के भी लोग बाग उनको जानते हैं बिकॉज दे आर पीस लविंग पीपल. और एग्रीमनी क्या होता है, उनको आसपास पीपल ही पीपल चाहिए, दे नीड पीपल अराउंड देम, ठीक है. आसपास पीपल चाहिए येट पीपल डू नॉट नो अबाउट देम. वाटर वायलेट के बारे में तो लोगों को पता है कि ये वाटर वायलेट इंसान है. एग्रीमनी को आसपास लोग बाग रहते हैं उसके बावजूद भी नहीं पता होता है कि ये किस तरीके के इंसान है क्योंकि वो हर चीज छुपाते हैं. वाटर वायलेट इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. दे आर सॉलिड, दे आर डीप रूटेड पर्सनैलिटीज, दे आर ट्रू पर्सनैलिटीज. एग्रीमनी इज नॉट ए ट्रू पर्सनैलिटी क्योंकि उसके पीछे सब कुछ छुपा रहता है. दे आर शैलो और उनका सॉल्यूशन टेम्पररी सॉल्यूशन होता है, कोई डीप रूटेड सॉल्यूशंस नहीं होते उनकी लाइफ में. वॉटर वायलेट होता है दे प्रिजर्व एनर्जी फॉर इंटेलेक्चुअल एंड डीप एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम. इसी वजह से लोग बाग उनके पास एडवाइस लेने आते हैं क्योंकि वो एनालाइज करते हैं पूरी प्रॉब्लम को. दे आर वेरी डीप थिंकर्स. और ये होते हैं, ये ऐसे एग्रीमनी कैसा होते हैं, दे आर वेरी फिजिटी, दे आर वेरी शैलो पीपल. एंड अगर इनको बोला ना इमोशनली एनालाइज करो चीजों को या फिजिकली एनालाइज करो, ये लोग सीधे नहीं बैठ सकते, इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, कुछ भी पैर हिलने लगेगा, फिजिटीनेस आ जाती है. अनलाइक वाटर वैलेट जो काम एंड कंपोज रहते हैं एंड दे विल टेक आउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन वेरी नाइस मैनर. वॉटर वायलेट दे विल हाइड देयर फीलिंग एंड विदड्रॉ इन टू द शेल एंड दे शन अवे टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द टू फाइंड द सोल्यूशन. ये इनकी सबसे खास बात होती है कि ये अपनी दुनिया के अंदर घुस जाते हैं अगर इनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है, बिकॉज दे वॉन्ट टू फोकस ऑन द सोल्यूशन, दे डू नॉट फोकस ऑन द प्रॉब्लम. उनको सोल्यूशन निकालना होता है तो वो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी फीलिंग्स होगी ना उसको विड्रॉ कर लेंगे, सारा सारा अपना अंदर का सब कुछ एक साइड में रख के वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने बैठेंगे. अनलाइक एग्रीमनी, एग्रीमनी क्या होगा, वो
चारों तरफ अपनी कंपनी को रखेगा टू गेट अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। यू गॉट माई पॉइंट? ये क्या करते हैं, ये अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं शेल के अंदर टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, और वो उनको चारों तरफ लोग बाग चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम से निकल, वो प्रॉब्लम उनके बैक ऑफ द माइंड में चली जाए। दे विल नेवर फाइंड द सॉल्यूशन। एग्रीमनी कभी सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेगा, वो उसको अपने दिमाग के पीछे रखेगा बिकॉज उनको ये लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है, और लोगों के बीच में रह के हंसी मजाक में रह के उसको दबाना चाहता है। दे विल नॉट फॉरगेट बट दे विल नॉट फाइंड द सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। ये हेयर लाइन डिफरेंस है बट ये मेजर डिफरेंस है। कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि ये इंसान एग्रीमनी है या वाटर वायलेट है, क्योंकि छुपा ये भी रहा है छुपा ये भी रहा है, लेकिन आपको ये हेयर लाइन डिफरेंस से समझना पड़ेगा कि वो हंसता रहता है, उसके चारों तरफ एग्रीमनी के चारों तरफ लोग बाग उसको चाहिए, ये इंसान चुपचाप रह के काम एंड कंपोज रह के और ये सारे सॉल्यूशन निकाल लेता है। लोग बाग इसीलिए एडवाइस के लिए आते हैं इनके पास में। दैट इज अ मेजर एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल जो इन्होंने डिफरेंस बताया था दादा ने, वो आज भी मेरे जहन में इतनी अच्छी तरह इतनी खूबी से बैठा हुआ है कि हम जब कभी साथ में पेशेंट देखते हैं और कभी दादा पूछते हैं अब बताओ ये क्या है, तो मुझे एकदम समझ में आ जाता है कि ये छोटी छोटी हेयरलाइन जो डिफरेंस ये कई बार बताते थे ना सिरेटो के बीच में और उसके बीच में, तो ये छोटे छोटे हेयरलाइन डिफरेंस नोट कीजिए, आपको की नोट्स को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को समझिए, इंसान के तरफ देखिए वो क्या बोल रहा है, हंसते हुए ही बोलता जा रहा है, उसके पीछे क्या मास्क के पीछे क्या छुपा है। ये इंसान काम इन कंपोज रहेगा, ये हंसेगा नहीं, ये कुछ भी नहीं करेगा, बट इसके पास हर चीज का सोल्यूशन है। ही इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। एंड वन मोर थिंग, द अचीवमेंट इन लाइफ और द इंडिविजुअल हेरिटेज क्या है इसका? दे ऑफन मेक द वॉटर वायलेट पर्सनैलिटी फील दे आर एक्सेप्शनली गिफ्टेड। ये इनकी हेरिटेज वैल्यू है, उनको लगता है कि दे आर एक्सेप्शनली गिफ्टेड टैलेंटेड और इवन दे आर द चूजन वंस। कुछ वॉटर वायलेट होते हैं ना, ये पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है, ये काफी हद तक एक तरीके से नेगेटिव क्वालिटी है, जब उनको लगता है कि नो दे आर द गिफ्टेड वन, भगवान ने उनको चूज किया है। तो समटाइम्स द नेगेटिव पर्सपेक्टिव ऑल्सो कम्स फ्रॉम द पर्सनैलिटी, और ये वो चीज है जब उनको लगने लगता है कि नहीं भगवान ने मुझे इस चीज के लिए चुना है, आई एम अ गिफ्टेड पर्सनैलिटी, एंड देयर फोर मेनी अ टाइम्स दे एक्सप्रेस देयर अथॉरिटी। मतलब वो अथॉरिटी होती ना प्राउड बिहेवियर, जैसे राजा महाराजाओं में भी नहीं होता था, फिर बाद में जब सब कुछ चला गया जो निजाम वगैरह रह गए या जो छोटे मोटे दीवान रह गए, तो उनमें ये है ना प्राउड बिहेवियर आने लग गया था, और ये एरोगेंस आने लग गई थी दैट दे आर द चोजन वंस। तो ये माइनस, और बोलते हैं ना कि ये नेगेटिव, थोड़ी सी छोटी सी नेगेटिव वाटर वायलेट पर्सनालिटी है। तो अगर आप इन लोगों को वाटर वायलेट एसेंस देते हैं, इट हेल्प्स देम टू कनेक्ट एंड डेवलप अ वार्मर रिलेशनशिप विद अदर्स। यू गॉट माय पॉइंट? क्योंकि ये एक अगर ये नेगेटिव वाटर वायलेट पर्सनैलिटी होगी तो ये अलूफ रहेंगे, क्योंकि ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, किसी के बीच में मिक्स नहीं होंगे, एक एरोगेंस ही आती है। एक वाटर वायलेट जो पहले आपको पर्सनैलिटी समझाई थी कि वो अलूफ इसलिए रहते क्योंकि उनके जैसा उनको कोई नहीं मिलता है, बट दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। एक वाटर वायलेट पर्सनैलिटी ये भी है जिसके अंदर उनको ये लगता है दे आर द चोजन वंस फ्रॉम द गॉड, दे आर गिफ्टेड, तो इनके अंदर एक टिपिकल एरोगेंस आ जाती है, एक ऑडिटिटी आ जाती है, एक ऑडेसिटी आ जाती है इनके अंदर। तो वॉटर वायलेट जो एसेंस होता है, इट हेल्प देम टू डेवलप अ वार्म रिलेशनशिप विद अदर्स एंड एट द सेम टाइम मेंटेन देयर ओन विजडम एंड डिग्निटी। आपका रिलेशन अच्छा तो बनाइए बट साथ साथ के अंदर क्या है, आपकी डिग्निटी भी मेंटेन रखिए, आपकी विजडम भी मेंटेन रखिए, आप हेल्पफुल नेचर के भी रहिए। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एसेंस। दे लाइक टू बी ऑन देयर ओन, दे लाइक टू स्टे इन द बैकग्राउंड एंड हेल्प अदर्स। इनको वो शोशा बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं हेल्प कर रहा हूं तो मेरा नाम हो, नहीं, वॉटर वायलेट ऐसा पर्सनालिटी होता है, दे कैन स्टे इन द बैकग्राउंड, दे कैन बी, और बोलते ना एक एक घर का एक सदस्य ऐसा भी होता है जो पीछे रह के सबकी हेल्प भी करता है। सो समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस अ वॉटर वायलेट पर्सनैलिटी और इज दिस वॉट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। बट दे आर वेरी जेंटल, दे आर ट्रिंक्वाइल, बोलते हैं ना बहुत काम एंड कंपोज होते हैं, एंड एट द सेम टाइम दे आर वेरी सिंपेथेटिक। एक पॉजिटिव क्वालिटी ये होती है कि दे आर वेरी सिंपेथेटिक टू अदर पीपल, दैट्स वाई दे आर वेरी गुड काउंसलर्स, दैट्स वाई दे हेल्प। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है कि जब नेगेटिव होता है कि दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प ईच अदर, विच इज अ वेरी 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 रॉन्ग नोशन।
उनका वो अलूफ नेचर अपने को ऐसा लगता है दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प, बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू दे आर द बिगेस्ट हेल्पर्स, दे आर द बिगेस्ट सिंपथेटिक काउंसलर्स। सो वाटर वायलेट की ये बहुत सारी खूबी है। बट फिजिकल सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो ये कहाँ अटकते हैं, इनकी ट्रेड्स कैसे होती है कि दे ब्लॉक देयर ओन एनर्जी, राइट? ये अलूफ रहते हैं क्योंकि एक हमें लगता है कि प्राउड बिहेवियर है, बट अलूफ रहने का इनका एक अलग मकसद होता है कि दे स्पीक लेस, दे वॉच मोर, दे आर द गुड ऑब्जर्वर्स, एंड एट द सेम टाइम दे लाइक टू हेल्प, नॉट ओनली टू द नियर एंड डियर वंस, दे लाइक टू हेल्प सोसाइटी, दे लाइक टू हेल्प नेचर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर एनर्जी इज ब्लॉक, जिसकी वजह से जब ये हेल्प नहीं कर पाते तो एनर्जी ब्लॉक होती, तो इट लीड्स देम इनटू स्ट्रेस, इट लीड्स देम इनटू स्टिफनेस, इनटू टेंशन। तो बॉडी में स्टिफनेस भी इनके आ सकती है, इनको स्ट्रेस भी हो सकता है, इनको टेंशन भी आ सकती है, और वो टेंशन से कैसा होता है, कई बार क्रैम्प्स फीलिंग आती है, लाइक यू नो यू कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि बॉडी स्टिफ होगी, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, तो क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, टिनिटस भी हो सकती है, ईयर प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सो दीज आर द लिटिल लिटिल नोट्स, आई एम नॉट सेइंग कि फिजिकली दे आर गोइंग टू हेल्प यू, बट आई एम सेइंग व्हेन वी लुक एट द पेशेंट, जब हम समझ में आता है कि ये वाटर वायलेट पेशेंट है, तो उसकी ये जो इमोशनल कंडीशन है वो फिजिकली कहाँ पे अटैक करती है, फिजिकली कई बार उनको क्रैम्प्स भी आते हैं, फिजिकली टिनिटिस भी हो सकती है, ईयर प्रॉब्लम्स भी होती है, राइट? सो डू नॉट गो ऑन द फिजिकल सिम्टम्स, बट चेक द फिजिकल सिम्टम्स ड्यू टू द इमोशनल इम्बेलेंसेज, ड्यू टू दैट ट्रेट विच हैज बीन ब्लॉक्ड, द एनर्जी विच हैज बीन ब्लॉक्ड इन देयर बॉडी, जिसकी वजह से स्टिफनेस आई है। सो आई गेस एक और इनके दादा ने मुझे बताया था, डिल्यूजनल डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, विच इज कंपनीड विद द बेसिक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्रेविंग फॉर हाई रिगार्ड एंड एनवी दैट इग्नाइट्स डिजायर्स। यस, ये बहुत बड़ी खूबसूरती है। लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी शॉर्ट थिंग। एक एटीट्यूड जो बोलते हैं ना, डिल्यूजनल एटीट्यूड होता है, एक नार्सिस्टिक बिहेवियर होता है, और ये कब होता है, व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि उनके अंदर क्या चल रहा है, एट द सेम टाइम व्हेन दे अंडरस्टैंड कि वी एज ह्यूमंस आर प्लेइंग विथ नेचर, तो उनके मन में ना एक कड़वाहट भर जाती, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल इन नेचर, उनको लगता है ये उनका काम है नेचर को हेल्प करने का, ये उनकी ये उन्हीं का काम है कि लोगों को हेल्प करने का, तो एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कई बार आने लग जाता है फॉर अदर पीपल हु आर हार्मिंग द नेचर। तो ये सारी चीजें उनकी बॉडी में स्टिफनेस लाती है, उनके माइंड में टेंशन क्रिएट करती है, या उनके माइंड को भी स्टिफ बना देती है। सो एक अकड़ू नेचर हो जाता है उनका, विच वी समटाइम्स सी, बट हमें ये नहीं समझ में आता वो अकड़ू नेचर क्यों है, बिकॉज दे आर डीप डाउन हर्ट, बिकॉज वी आर प्लेइंग विथ नेचर, बिकॉज वी आर प्लेइंग विथ सोसाइटी, बिकॉज वी आर प्लेइंग विथ वीक पीपल। सो आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब मैंने अच्छा बोला, कुछ खा गई, तो ये सब दादा ही समझा पाएंगे। नहीं, अभी तो आपने दोपहर को लंच किया है ना, तो कुछ खाया नहीं है आपने, अच्छा ही बोला है। बट यहाँ एक ही वर्ड को पकड़ो आप, अलूफ। अलूफ मतलब एरोगेंट, एरोगेंट मतलब स्टिफ, स्टिफ मतलब स्टिफ जॉइंट, अकड़ू मतलब जॉइंट का अकड़ना, यस अकड़ू दादा, मतलब वेन का अकड़ना, वेन का अकड़ना मतलब वेरिकोज वेन। एग्जैक्टली, तो यहाँ वाटर वायलेट रिजल्ट आपको देती है। हाँ अब अकड़ू को हम कैसे देखेंगे? हमने बोला कि स्पेशलिस्ट है भाई, किस बात का स्पेशलिस्ट? स्पेशलिस्ट कौन होता है? डॉक्टर होता है, साइंटिस्ट होता है? नहीं, अपने धर्म में, हमारे धर्म में, आपके धर्म में, ओई कोर के धर्म में जो धर्म गुरु होते हैं ना, वो भी अपने आप को स्पेशलिस्ट मानते हैं। वो भी सुपर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित रहते हैं, वो भी अकड़ के चलते हैं। एग्जैक्टली, वो हाँ, करना तो भी पड़ता है अगर दादा, करना भी पड़ता है कई, हाँ 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 तो ये करना पड़ता है, एग्जैक्टली, और आहिस्ता आहिस्ता उसका उनका नेचर नेचर बन जाता भी यही, नेचर ये बन जाता है। है। तो एग्जैक्ट अगर मेरे तो फैमिली में, मेरे क्लोज में ही है कि जो धार्मिक है और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है, कि मैं कुछ करती हूँ या तो करता हूँ,
मैं सबसे ज्यादा पूजा पाठ करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा धर्म ध्यान करता हूँ। तो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को वेरिकोज वेन स्पीडी होने लगता है, ऐसे लोगों के जो जॉइंट्स है उसमें स्टिफनेस बहुत जल्द आ जाती है। तो इसको अगर आप वाटर वायोलेट देते हो ना, तो उसकी जो अलुफनेस है ना वो टूट जाएगी, वो सॉफ्ट हो जाएंगी। जैसे उसका माइंड स्टॉप सॉफ्ट हो गया ना, तो उसका ये जो जॉइंट है, जो वेरिकोज वेन्स है, वो भी सॉफ्ट होने लगेगी और आपका पेशेंट क्योर होने लगेगा। यहाँ थोड़ा हटके मैं बताता कि कब कैसे कैसे आपको ऑब्जर्वेशन करना है, कैसे सोचना है। मैंने आपको एक बार बताया था कि चलो कोई पेशेंट है, स्किन का पेशेंट है, उसको स्किन डिसीज हुआ और अब वो तो ना तो होम्योपैथी ले रहा है, ना बेसफ्लावर ले रहा है, एलोपैथी में जा रहा है। एलोपैथ वाले क्या करेंगे, दबा देंगे। तो और एक जो बार स्किन ठीक में हुई। प्रॉब्लम, हाँ जो स्किन में प्रॉब्लम है वो कहाँ जाएगा, कहीं और जाएगा। अब लिख लो, जिसको स्किन प्रॉब्लम है एलोपैथी से ठीक हुआ है, उसको 6 महीना, 12 महीना, साल, 2 साल बाद रूमेटिक आर्थराइटिस होगा, हड्डी में जॉइंट में पेन होगा, फिर वो एलोपैथ के पास जाएगा, फिर सब कुछ दबा दिया जाएगा, मैक्सिमम पेन औरतों को किलर, होता है, औरतों को होता है पेन, रिमेटिक हाँ पेन, पेन को भी दबा दिया जाएगा। पेन। अब आप लिख लो कि ये पेशेंट को इन फ्यूचर हार्ट अटैक 101% होगा, होगा और होगा। तब हमें होम्योपैथ को क्या करना है, देखिए आपके एलोपैथ ने क्या दिया है, मर्क्यूरी दिया है, क्या दिया है, उसके हिसाब से अगर आप उसको होम्योपैथी देते हो ना, तो आपका पेशेंट बच जाएगा। अब कितना टाइम बचा है, 5 मिनट, है दादा है। हाँ, बट लास्ट में अगर टाइम बचा तो मैं कुछ, मैंने कहीं सुना था या तो कहीं पढ़ा था, बताऊंगा। फिलहाल तो देखते हैं, किसी का अगर क्वेश्चन है। इज मैडम एनीबडी भी नौ हाँ नौ दादा सिंह मैडम, नौरीन मैडम भी रह गए आज बोलने में। हाँ नौरीन मैडम मैं वो देख रही थी। हाँ डॉक्टर सोनल मैडम आ गई। सोनल है ना, सोनल मैडम काइंडली डॉक्टर सोनल अनम्यूट। तो काफी देर से आएंगे। हेलो सोनल। हेलो मैम, यस मैम, हेलो, मैम दिख रहा मैं है? वीडियो शेयर देख रहा हूँ। मैं वही देख रही हूँ, जी एक जी सेकंड, मैम, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको देखने की कोशिश कर रही हूँ। आप नहीं, आप नहीं दिख रहे हो मैम। पता नहीं, मुझे लगता है मेरी उसमें फिर से ज्वाइन। कोई नहीं मैडम, आप क्वेश्चंस ले लीजिए, बहुत कम नहीं टाइम अच्छा बचा आप है, बोलिए शायद तो मुझे लगता सही, है मैं आप बिल्कुल नहीं बोलिए पूछ बोलिए तो सकती। सही। ओके ठीक डॉक्टर है, सोनल, ओके सोल्यूशन हमारे पास कोई भी नहीं है। थैंक ओके ठीक है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर नोरेन, डॉक्टर राना, मेरे स्क्रीन दादू पे आ जाओ, स्क्रीन पे आ दादू प्रणाम, जाओ। और मेरे साथी आगे डॉक्टर। वीडियो में इश्यूज है दादा, ओके इसलिए। ओके तो वीडियो में कुछ ओके प्रॉब्लम हो रहा ओके है, ओके कोई बात मैम, नहीं, कोई बात नहीं। चलिए बहुत ही कम टाइम बचा है। डॉक्टर ऋतु और डॉक्टर बिपिन कक्कड़ हमारे सर ने ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि एग्जैक्टली वाटर वायलेट पर्सनालिटी कैसी है, उसके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है, नेगेटिव ट्रेट क्या है। पर एक छोटी सी चीज में एक एडिशनल मैं कहना चाहूंगी कि वाटर वायलेट काफी अंडररेटेड मेडिसिन है। बहुत से लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं है वो लोग। देखिए हार्डली, अगर आप एक थेरेपिस्ट होम्योपैथ है तो आपने हार्डली कभी वाटर वायलेट कभी यूज किया हो, क्योंकि उसकी जानकारी जो है, जो दादा डॉक्टर बिपिन कक्कड़ और ऋतु जी ने दी है, वो काफी लिमिटेड लोगों के पास होती है। देखिए वाटर वायलेट का एक ही प्रॉब्लम है, वो है फ्रीडम और मेंटली जो बोलते हैं ना इंडिपेंडेंसी। मतलब कि वाटर वायलेट पर्सनैलिटी जो एक बच्चा होता है वो हमेशा फ्रीडम में रहना चाहता है। आप कभी भी वाटर वायलेट पर्सनैलिटी को कंपेल नहीं कर सकते, मतलब उसको उससे कुछ करवा नहीं सकते। इसीलिए बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो वाटर वायलेट पर्सनैलिटी है वो कभी भी किसी के अंडर काम नहीं करना चाहेंगे, कभी ना तो दोस्त बनाएंगे ना किसी सोशल गैदरिंग में जाएंगे, क्योंकि जहां पे भी उनको कंपेल करना पड़े, जहां पे भी उनकी फ्रीडम अगर चली जा रही है, तो वैसी चीजें वो पसंद नहीं करेंगे, उल्टा क्या करेंगे,
अपना ही खुद का एम्पायर खड़ा कर लेंगे, या फिर खुद की लेबोरेटरी, या खुद ही इतनी इंटेलिजेंट है जिसकी उसको दूसरों की जरूरत ना। दूसरी है मेंटल एंड इमोशनल इंडिपेंडेंसी। वो लोग पहले से ही इतने सुलझे हुए हैं, पहले से ही उनको सब कुछ, जैसे बोलते हैं ना कि वो काफी सेचुरेटेड, उन लोगों को ना तो कोई फ्रेंड्स की जरूरत है ना फैमिली की जरूरत है, मतलब दे आर जस्ट लाइक, बोलते हैं ना काफी सुलझे हुए इंसान है वो, कभी भी इमोशनली किसी पे इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मुझे फ्रेंड्स की जरूरत है, या आगे जाके मुझे कभी स्पाउस की जरूरत पड़ेगी, या आगे जाके मुझे फैमिली की जरूरत नहीं, वो अपना काम करेंगे, सुलझे हुए हैं, अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो लोग वहां पे एडवाइस भी देंगे। अभी आप ये मुझे बताइए कि भाई चलो ये सारी चीज तो है, पर वो ये लोनलीनेस ग्रुप में क्यों आता है? ठीक है, जब धीरे धीरे इंसान 40-45 साल का हो जाता है, तब उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ रिलेशन बनाने चाहिए थे, तब धीरे धीरे उसकी ये जो पर्सनालिटी है, जो अलूपनेस है, वो जैसे मैडम ने बोला कि एक नेगेटिव पर्सनालिटी में